हेलो दोस्तों, जय झारखंड चैनल में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आप लोगों के लिए झारखंड से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो झारखंड में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य का सकल बजट 85,429 करोड़ रुपए का अनुमान पेश किया गया है। इस बजट में झारखंड सरकार ने बाल बजट के लिए कितने करोड़ राशि का आवंटन किया है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि झारखंड में 85,429 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है और इस बजट में बाल बजट के लिए कितने करोड़ राशि का आवंटन किया गया है। ऑप्शन ए है 6,182 करोड़, ऑप्शन बी है 7,231 करोड़, ऑप्शन सी है 8,898 करोड़ और ऑप्शन डी है 27,142 करोड़। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 6,182 करोड़। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जो ऑप्शन बी देख रहे हैं 7,231 करोड़, ये है कृषि बजट के लिए। ये कृषि के लिए इतना आवंटन किया गया है। 8,898 करोड़ किया गया है जेंडर बजट किया गया है। इस बार जेंडर बजट जो महिलाओं के लिए है, और 27,182 करोड़ जो आप देख रहे हैं ये किया गया है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति क्षेत्र के विकास के लिए। आगे चलते हैं। मंडल डैम, जिसका भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दोबारा शिलान्यास किया गया है, यह डैम झारखंड के किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। मंडल डैम, जिसका भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दोबारा शिलान्यास किया गया है, यह डैम झारखंड के किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है संख नदी, ऑप्शन बी उत्तरी कोयल नदी, ऑप्शन सी दक्षिणी कोयल नदी, ऑप्शन डी दामोदर नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तरी कोयल नदी। आगे चलते हैं। झारखंड में जैव विविधता पार्क कहाँ है? जैव विविधता मतलब बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ है? ऑप्शन ए साहेबगंज, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी लातेहार, ऑप्शन डी रांची। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए लोहरदगा, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी लातेहार या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। बॉक्साइट लोहरदगा, गुमला, लातेहार और रांची, यहाँ सभी जगहों में बॉक्साइट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में कितना स्थान है? ऑप्शन ए 11वां, ऑप्शन बी 12वां, ऑप्शन सी 13वां, ऑप्शन डी 14वां। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है, इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 60 फीट, ऑप्शन बी 44 फीट, ऑप्शन सी 33 फीट, ऑप्शन डी 28 फीट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 33 फीट। दोस्तों, ये हाल में ही मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है और ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पे किया गया था, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया और छोटा नागपुर के कुछ भाग बंगाल में मिला दिए गए? ऑप्शन ए 1912 में, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1914, ऑप्शन डी 1915। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1912। तो बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ना ऑप्शन ए 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करना है। एक साइड में दिया हुआ है विद्रोह और एक साइड में दिया गया है विद्रोही। इसका सही आपको मिलान करना है। जैसे यहाँ पे भूमिज विद्रोह, विद्रोह किया गया था गंगा नारायण के द्वारा। चेरो आंदोलन किया गया था भूखन सिंह के द्वारा। तमाड़ विद्रोह किया गया था ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा। हो विद्रोह किया गया था पोटो सरदार के द्वारा। और संथाल विद्रोह किया गया था सिद्धो कान्हू के द्वारा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले आएगा ऑप्शन बी, फिर ऑप्शन डी, फिर ऑप्शन सी, फिर ऑप्शन ई, फिर ऑप्शन ए। इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बी डी सी ई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजरप्पा किस नदी के संगम पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है दामोदर मयूराक्षी नदी, ऑप्शन बी सोन रेखा कोयल नदी, ऑप्शन सी सोन गंगा नदी, ऑप्शन डी दामोदर भैरवी नदी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी दामोदर भैरवी नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड का प्रथम महाविद्यालय कौन है? ऑप्शन ए संत जेवियर महाविद्यालय, ऑप्शन बी संत कोलंबस महाविद्यालय, ऑप्शन सी कार्तिक उराव महाविद्यालय, ऑप्शन डी छोटा नागपुर विधि महाविद्यालय। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी संत कोलंबस महाविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर और बराकर नदी के संगम पर कौन सा बांध है? ऑप्शन ए तिलैया, ऑप्शन बी कोनार, ऑप्शन सी मैथन, ऑप्शन डी पंचेत। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी पंचेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कौन से ऐसे जिले हैं जिसके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? ऑप्शन ए है गुमला एवं लोहरदगा, ऑप्शन बी गुमला सिमडेगा, ऑप्शन सी लोहरदगा खूंटी, ऑप्शन डी सिमडेगा लोहरदगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गुमला लोहरदगा। झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए रानी चुआ नगड़ी रांची, ऑप्शन बी चूल्हा पानी लातेहार, ऑप्शन सी उत्तरी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से, ऑप्शन डी मैकाल पर्वत के अमरकंटक पठार से। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चूल्हा पानी लातेहार।
झारखंड के किस जिले में सबसे कम वन है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी देवघर, ऑप्शन डी चतरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धनबाद। और दोस्तों ये पूछा जाए कि किस जिले में सबसे ज़्यादा वन है, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन डी चतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल किस प्रजाति समूह का है? ऑप्शन ए प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, ऑप्शन बी मंगोलियाड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रे एशियाटिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए साल, ऑप्शन बी महुआ, ऑप्शन सी सागवान, ऑप्शन डी आम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः ब्लैंक और ब्लैंक सीटें झारखंड के लिए आवंटित हैं। ऑप्शन है 18-6, ऑप्शन बी 16-8, ऑप्शन सी 12-6, ऑप्शन डी 14-6। दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 6, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 और 6। लोकसभा के लिए 14 और राज्यसभा के लिए 6 सीटें झारखंड के लिए आवंटित हैं। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तब बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी जगन्नाथ मिश्रा, ऑप्शन सी लालू प्रसाद यादव, ऑप्शन डी राबड़ी देवी। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी लालू प्रसाद यादव। बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के शुरुआती बाघ अभयारण्य में से एक है। बेतला निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? दोस्तों बेतला का फुल फॉर्म है, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, बाइसन एलिफेंट टाइगर लियोपर्ड एक्सिस एक्सिस। मुकुंद नायक का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है लोक संगीत, ऑप्शन बी लोक नृत्य, ऑप्शन सी लोक साहित्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2016 में ब्राजील के महानगर रियो डी जेनेरियो में आयोजित 31वां ओलंपिक खेल में झारखंड की एकमात्र हॉकी खिलाड़ी कौन थी? ऑप्शन ए है निक्की प्रधान, ऑप्शन बी है अंशुता लकड़ा, ऑप्शन सी है हेलेन सोय, ऑप्शन डी है फुलमणि सोय। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्राज़ील में जो ओलंपिक हुआ था उसमें झारखंड के एकमात्र हॉकी खिलाड़ी जिसका भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ था वो है निक्की प्रधान, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए निक्की प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जमशेदपुर। झारखंड का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोपचांची झील किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी कोडरमा,
ऑप्शन डी सराय किला। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पहला रेल मार्ग कब बना था? ऑप्शन ए है 1843 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1845 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1853 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1855 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1845 ईस्वी में।